खास करके पूनम अगले ना बाकी खुशी पहली बात तो धन्यवाद आप सबका यहीं पे यहाँ पे आने के लिए और मेरे सारे दोस्तों का जो लोग यहाँ पे मौजूद है इस समय। और 22 तारीख को हम लोग ने इस प्रोग्राम को रखा, इस शॉप को इनॉग्रेट करने के लिए पूनम ताई को इनविटेशन दिया, उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और ये जो कार्यालय है ये भाजपा का नहीं, सारी पब्लिक का है, ये गोलीबारी 87 वार्ड का है। यहाँ पे कोई भी समस्या के लिए कोई भी आए हम लोग हमेशा उस पर तत्पर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उस मुद्दे को हम सॉल्व करें। ये जो कार्यालय है ये 3rd रोड पिंपलेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे बना है और ये सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक मोस्टली पब्लिक के लिए ओपन है। इस कार्यालय के पीछे उद्देश्य ये है कि लोगों की सेवा करना और समाज सेवा करना, लोगों की समस्याएं सुलझाना, BMC पुलिस स्टेशन ज़्यादा करके इन चीज़ों को सॉल्व करना। देखिए कार्यक्रम ऐसा है कि पूनम ताई का 22 तारीख को हम लोगों ने समय लिया, ताई ने हमारा जो निवेदन था उसको एक्सेप्ट किया। मैं तो ताई का बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि हमने उनको एक मिनट थोड़ा देर रुक जा, हमने उनको समय दिया, हमको उन्होंने समय दिया और हमारे कार्यालय उद्घाटन करने के लिए आया ताई, हमारा कार्यालय उद्घाटन करने के लिए ताई आई। ये हमारा सौभाग्य है कि ताई अभी सेशन चल रहा है दिल्ली में, फिर भी समय निकाल के अगर हमारे कार्यालय के उद्घाटन के लिए ताई आई है तो ये हमारा सौभाग्य है। थोड़ा सौभाग्य है हमने पहले ही डिक्लेयर किया था कि यहाँ पे चाहे वो पुलिस स्टेशन का मैटर हो, BMC का मैटर हो, हॉस्पिटल का मैटर हो, ट्रैफिक का मैटर हो, कोई भी अगर मैटर होता है तो अगर आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ होती है, चाहे SRA का कोई तकलीफ हो, वो हर चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वोटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो नाम डलवा देंगे, आधार कार्ड की कोई तकलीफ है तो देंगे, जो लोकल समस्याएँ हैं। और बहुत बड़ी बात, यहाँ पर बगल में SRA का प्रोजेक्ट है लेकिन कुछ लैंड डिफेंस में आती है और डिफेंस के लिए भी जो ताई ने जो काम किया है दिल्ली में जाके हमारे लोगों की बात पहुँचाई है वो भी हम लोगों तक फैलाएंगे।